बातचीत तो तभी होती ना जब जंग रुकती, जंग होती रहेगी और बातचीत कैसे होगी? कि अगर ये वॉर बढ़ गई तो जाहिर है कि उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं, और हिंदुस्तान के एक गांव में बैठे आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसराइल को फिलिस्तीनी जमीन देनी पड़ेगी, ये हम नहीं कह रहे, अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? इतनी जल्दी अपने बड़े लीडरान को ही भूल जाएंगे, अडवाणी को भूल गए तो माफ कीजिएगा, ये फिर मोदी को भी भूल जाएंगे। 120 मुल्क एक तरफ और भारत एक तरफ, हिंदुस्तान अगर स्टैंड ले ले आज भी जो है वो हालात बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जर्नलिस्ट मुमताज आलम रिजवी। ये पॉलिटिकल एनालिसिस भी बहुत बढ़िया करते हैं, जिस तरीके से फिलिस्तीन और इसराइल का वॉर चल रहा है, गाजा पट्टी पर नेतन्याहू का है कि हम पूरा कब्जा करके ही मानेंगे, हम युद्ध रोकने की जो स्थिति दिख रही है बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं दो तीन बातें कहूँगा। एक तो हिंदुस्तान के सिलसिले में कहूँगा कि हिंदुस्तान का जो मैसेज है वो है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो हिंदुस्तान में जो जंग का मैदान बना हुआ है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि आवाज़ उठनी चाहिए कि जहाँ भी जुल्म हो रहा है और ये जो हमले हो रहे हैं ये रुकने चाहिए, क्योंकि इसमें बेगुनाहों की जान जा रही है। ये हिंदुस्तान से जब मैसेज जाएगा तभी हम विश्व गुरु की बात कर सकते हैं, वरना हिंदुस्तान तो एब्सेंट रहता है जब वोटिंग होती है युद्ध रोकने के फेवर में। मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन जो है ये उसके खिलाफ चीज़ हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही वजह है, आपको याद होगा कि पीएम दूसरे ही दिन जो मिस्र के सदर हैं अलसीसी, उनसे बात करते हैं और उसमें फिर ट्वीट करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी कि ये जो है समझौता होना चाहिए और ये जंग रुकनी चाहिए, दूसरे ही दिन। यानी उन्हें अपनी गलती का एहसास हो, या ये कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम भी चाहते हैं कि ये जंग रुकनी चाहिए। तो हिंदुस्तान का देखिए क्या दबाव है, किस वजह से ऐसा हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम आप देख लीजिए कि आज भी फिलिस्तीन के साथ है, और फिलिस्तीन के साथ इसलिए क्योंकि वो मजलूम हैं, उनके ज़मीन पर कब्जा किया गया अटल बिहारी। फिलिस्तीन के साथ इसलिए हैं क्योंकि धर्म है? नहीं नहीं, कोई धर्म नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी का क्या धर्म था? अटल बिहारी वाजपेयी ने, उनका बयान आजकल चल रहा है आप देखिए, उन्होंने कहा कि इसराइल ने फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और फिलिस्तीनी ज़मीन को, इसराइल को फिलिस्तीनी ज़मीन देनी पड़ेगी, ये हम नहीं कह रहे। अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? कौन है अटल बिहारी वाजपेयी? क्या भूल गए ये लोग? इतनी जल्दी अपने बड़े लीडरान को ही भूल जाएंगे, अडवाणी को भूल गए, अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए, मुरली मनोहर जोशी को भूल गए, तो माफ़ कीजिएगा ये फिर मोदी को भी भूल जाएंगे। आज नरेंद्र मोदी का दौर है, नरेंद्र मोदी इसराइल के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, याद रखिए, जब अच्छे लोग याद नहीं रखे जा रहे हैं बीजेपी के, तो फिर ऐसे लोग नहीं याद रखे जाएंगे, इसलिए हमेशा जो है वो चीज़ याद रखें। मोदी जी तो ये खुद कहते हैं कि हमें भूल जाएंगे, वो देश हित में आए हैं, काम करेंगे, चले जाएंगे। नहीं नहीं, देश हित कहाँ का देश हित हो रहा है? कौन सा देश हित हो गया आप बताइए? अब वो ना ठीक से इसराइल के की तरफ है, ना वो ठीक से फिलिस्तीन की तरफ है, ये कौन सा हित है? या तो आप फिर खड़े हो जाइए इसराइल के साथ, करते वोटिंग कि नहीं जंग जारी रहनी चाहिए, या तो फिर आपको 120 मुल्कों के साथ खड़े होना चाहिए। विश्वगुरु तो वही बनेगा ना कि जो 120 मुल्कों के साथ। भारत का जो है स्टैंड है वो क्लियर है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, यानी हमास का खात्मा होना चाहिए, और दूसरी बात फिलिस्तीन के नागरिकों पर जो जुल्म हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं, वो दोनों के साथ खड़े हैं। देखिए, राहत सामग्री भेजी लेकिन पता किया कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची? दूसरी खबर सुनी आपने? दूसरी खबर आई क्या कि वो वहाँ जो गजा में लोग हैं जिनके लिए भेजा गया था वो पहुँचा कि इसराइलों तक? चल रही थी कि फिलिस्तीन पहुँच गई है। हाँ, पहुँच गए, जब जाने ही नहीं दे रहा इसराइल तो पहुँच कहाँ से जाएगी, कहाँ से पहुँच जाएगी? ये देखिए, ऐसा है कि ये सिर्फ ढिंडोरा पीटा गया ताकि मिडिल ईस्ट में इनका बहुत सरमाया लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो है इनके ताजराना रिश्ते हैं बिजनेस के। आप देखिए, यूएई हो या सऊदी अरब हो या और कतर हो, आप सब देखिए ना, तो इसलिए ये मैसेज, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम इसको भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन पलट के पूछते तो कि भैया उसको जाने दो जो हमने भेजा है, उसको पहुंच जाने दो लोगों तक, अगर वो पहुंचता तो यकीनन तस्वीर आती और हमारा मीडिया उस तस्वीर को दिखाता, और या तो पहुँचा है
और मीडिया जो गोदी मीडिया है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको दिखाए कि फिलिस्तीनियों के सामान गया, ये जो है मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चूचू का मुरब्बा बन के रह गया है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भारत 40% लोगों ने सिर्फ सरकार बनाई, 60% जो है भारत वो सरकार के साथ नहीं है, और पूरा हिंदुस्तान आप समझ लीजिए तो 60% जब सरकार के साथ नहीं है तो सरकार बहुमत में आ कैसे जाती है? नहीं नहीं, बहुमत देखिए यही है ना, डेमोक्रेसी है, उनकी ज्यादा सीट हो गई वो सरकार में आ गए, लेकिन अपोजिशन में आप देखिए जनता ही बनाती है ना। नहीं ठीक है, जनता बनाती, जनता उतार देगी, बन गए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब 24 का इलेक्शन आ रहा है, समझ में आ जाएंगे 24 में वो नहीं आएंगे। नहीं अब मैं क्या बताऊँ, जनता खुद ही आप देख लीजिए क्या सूरत हाल है। भाई जब ये आए थे तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी, कहा था ना, आज बताइए क्या कांग्रेस मुक्त हो गई? 4 जगह पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की और 4 जगह कांग्रेस की, गिनाऊ में गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश डेंट करके लिए, चोरी करके लिए सरकार। तो 4 जगह पूर्ण राज सरकार ये बीजेपी की है और 4 जगह कांग्रेस की, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। कहाँ कांग्रेस मुक्त हो गई, ये तो सिकुड़ गई। आप देख लीजिए 50% से भी कब, जो नक्शा दिखाते थे पूरे हिंदुस्तान का नक्शा भगवा हो गया, तो आप देख लीजिए कहाँ रह गया वो। इसलिए गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, और कोई भी मुल्क डिक्टेटरशिप से नहीं चलता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि बातचीत करके समाधान होना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, दोनों को बातचीत करनी चाहिए, फिलिस्तीन और इसराइल को। बिल्कुल, लेकिन मैडम आप बताइए कि बातचीत तो तभी होती ना जब जंग रुकती, जंग होती रहेगी और बातचीत कैसे होगी? इसमें तो बड़ा अच्छा मौका था हिंदुस्तान के पास। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा हिंदुस्तान का नारा है अहिंसा परमो धर्मा, उस नारे के साथ आगे बढ़ते और जंग को रोकते, हमले को रुकवाते, और उसके बाद दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आते दोनों के, क्योंकि पीएम ने महमूद अब्बास से भी बात की और पीएम ने नितिन याहू से भी बात की। जाहिर है कि बात की होगी तो उन्हीं की तरफ तो बोले होंगे फोन पे, बात अलग, एक बयान न दिया हो क्या बोले, लेकिन यही तो कहा होगा ना कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों को बड़ा अच्छा मौका था कि एक प्लेटफॉर्म पे बिठाल देते, और ये एक बड़ा मैसेज, बड़ा मैसेज, क्योंकि दुनिया देखिए आप, फ्रांस हो, जर्मनी हो, न्यूयॉर्क हो, और अफ्रीका ममालिक हो, सब जगह आप देखिए इसकी मुखालफत हो। क्यों? क्योंकि लोग कोरोना झेल चुके हैं, उससे कितनी परेशानी पूरी दुनिया की हुई, यूक्रेन और रूस ये जो जंग चल रही 1.5 साल से, इससे पूरी दुनिया परेशान है। अब ये 25 दिन थे, ये इससे और डर गए लोग कि अगर ये वॉर बढ़ गई तो जाहिर है कि उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा, ऐसा नहीं, और हिंदुस्तान के एक गांव में बैठे आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कोई ये ना समझे, तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें जहन में रखना चाहिए, और अब अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि हिंदुस्तान कोशिश करे कि दोनों को एक टेबल पर बिठा ले और जो टू नेशन की थ्योरी है उस पर बात करके और इस मसले को हल कराए। बड़ा सवाल ये है कि जब इतने सारे देश चाह रहे हैं कि जंग रुक जाए, 120 वोटिंग आई है, तमाम लोग जो हैं सीधे सीधे फिलिस्तीन के समर्थन में है, इसराइल के खिलाफ है, बावजूद इसके कुछ नहीं हो रहा, तो क्या एक भारत के बोलने से जंग रुक जाएगी रातों रात? देखिए मैं समझता हूँ कि 120 मुल्क एक तरफ और भारत एक तरफ, भारत की अलग एक पहचान है, भारत जो है हमेशा से अहिंसावादी रहा है, ये गांधी का मुल्क है और इसकी बड़ी इज्जत है पूरी दुनिया में, इसलिए 120 को आप ना काउंट कीजिए। हिंदुस्तान अगर स्टैंड ले ले आज भी जो है वो हालात बदल जाएंगे, स्टैंड ले ले हिंदुस्तान, किसी के कहने पर ना आए, बल्कि वो अपने हिंदुस्तान, अपनी आत्मा जो भारत माता है हमारी, उसकी जो आत्मा कहती है, क्योंकि दुनिया की कोई माँ जो है ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे, बेगुनाह बच्चे मारे जाएं और खून से ज़मीन लाल हो जाए। तो हम भारत माता की बात करते हैं और भारत माता की जय जयकार लगाते हैं, तो भारत माँ का सम्मान करते हुए हमें उठ खड़े होना चाहिए और इस वॉर को रोक करके, और हमें अमन की बात, पीस की बात और टू नेशन की बात करनी चाहिए। आप जो है पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक सवाल पूछूंगी, जितने बड़े प्रदर्शन फिलिस्तीन इसराइल के लिए हो रहा है, ये उतनी बड़ी संख्या में आवाज़ उन 9 सैनिकों के लिए, 8 जो 9 सैनिक कतर में जिनके लिए सजाए मौत दी गई है, उनके लिए क्यों नहीं उठ रही है, उनके लिए प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहे, उनके लिए सरकार से मांगे क्यों नहीं हो रही है, उनके लिए भीड़ क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा है? देखिए ऐसा है, वो बड़ा ही अदालती मामला है और वो कानूनी मामला है,
वो कोई ऐसा नहीं है कि बिला वजह पकड़े गए हैं, बल्कि वो जासूसी में पकड़े गए हैं और उन्होंने इसराइल के लिए जासूसी की, हिंदुस्तान के लिए नहीं की। अगर हिंदुस्तान के लिए करते तो शायद एक बार ये सोचा जाता, लेकिन उन्होंने इसराइल के लिए की। इसके बावजूद जो भी किया अपने देश के अपने सरकार के आदेश पे किया। नहीं नहीं, मैं इसको नहीं मानता। हम कैसे जानते हैं कि देश के आदेश पर? आप उन्हें गद्दार कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ? हम कह रहे हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं बिलोवाजे गद्दार? हम क्यों कहेंगे? हम और देश के कहने से कहाँ उन्होंने किया? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वो कानूनी मामला, इसके बावजूद आप देखिए कि हिंदुस्तान जो है उनके साथ खड़ा है, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, और बातचीत कर रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि कतर से उनको बाइज्जत जो है वो हिंदुस्तान लाया जाए। उनको अभी निचली अदालत का फैसला है, अभी अपर अदालत जो वहाँ बाकी है, तो वहाँ देखा जाएगा क्या है। और देखिए, दुनिया के हर मुल्क में ये कानून है कि अगर गद्दारी में कोई पकड़ा जाएगा तो उसको सजाए मौत होगी। तो इस मामले में जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आ रही है, जो भी एक्शन है, उससे आप सहमत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ और उनको बिल्कुल पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक मुल्क की बात है, ये मुल्क पे धब्बा है। अगर मुल्क के जो पूर्व फौजी जासूसी में पकड़े जाएँ, वो भी दूसरे देश की, तो कितना बड़ा धब्बा है। तो इस धब्बे को मिटाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, और करना चाहिए ताकि धब्बत मिटे। बाकी ला करके तो तब मिटेगा जब वो निर्दोष साबित होके अपने देश तो आ कोशिश जाएंगे। वही तो कह रहे हैं ना, तो कोशिश हिंदुस्तान कर रहा है कि धब्बा जो लग गया है ये धब्बा मिटे, इसी कोशिश है। और कोशिश हो रही है सर, इतने टाइम से सुस्ती पड़ी हुई है, कह रहे हैं कि हम लगातार उनके कॉन्टेक्ट में है, फैमिली वालों के कॉन्टेक्ट में है, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोई उत्सुकता नहीं है। कि एक साल से मामला चल रहा है, क्या आपने सुना था इससे पहले, सजा से पहले? ये सिर्फ बातें करते हैं, हमारी बातें ही बातें हैं, ठीक है। ये सिर्फ बातें करते हैं, वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। क्या कोशिश की पिछले एक साल से, बताएंगे? क्या बताया? वही तो मेरा सवाल है। नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अब तो बयान आया। मैं कह रहा हूँ कि करनी चाहिए उनको, सिर्फ कहना नहीं चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले को उठाया कि आप कह रहे हैं बहुत मजबूत हाथों में हमारी सरकार है, हम बहुत स्ट्रांग हैं, कतर से मेरे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, तो फिर आप बात क्यों नहीं करते? लाइए उनको हिंदुस्तान, और लाना चाहिए हिंदुस्तान। उनकी फांसी जो सजा हुई है वो रुकनी चाहिए? बिल्कुल रुकनी चाहिए, क्यों नहीं रुकनी चाहिए? क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो जासूस नहीं है? नहीं नहीं, हम हमारे माने न माने से नहीं होगा, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा देश के सैनिक है, आपके मानने से कैसे नहीं होगा? आप मानते हैं कि नहीं वो है? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल यकीन है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी सैनिक बाहर जा करके जासूसी नहीं करेगा, और अगर करता है तो ये देश पे बहुत बड़ा धब्बा है। हालांकि हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे, आप देखिए विदेश मंत्रालय में भी निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की है, तो हैं ऐसे लोग, ऐसे गद्दार लोग हैं, तो उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। फिलहाल जो है उनको हिंदुस्तान लाना चाहिए और यहाँ फिर पूछगछ होनी चाहिए। तो साफ तौर पर जो भी मामले हैं देश में चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन की मांगे चल रही हो, फिलिस्तीन को आज़ाद करने की मांगे हो, या फिर हमारे 8-9 सैनिकों को जो सजाए मौत दी गई है कतर में, उसकी मांगे हो, तमाम मामले हैं। विदेश मंत्रालय जो है इस पर क्या कार्रवाई कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है, या सिर्फ कहा जा रहा है कि हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं, संपर्क में हैं। उन परिवारों का इस वक्त क्या हाल होगा, वो किस तरीके से जी रहे होंगे, तमाम जो चीजें हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।